नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं कोच निशा आज बात करूंगी आपसे हमारे आज के फेस्टिवल रक्षाबंधन के बारे में। वैसे तो ये फेस्टिवल गेट टुगेदर का फेस्टिवल है, बहुत प्यार मोहब्बत का फेस्टिवल है। भाई बहनों का जो प्यार है, एक दूसरे के लिए जो कमिटमेंट है उनके, उसको दर्शाता है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। हम शुरुआत करेंगे भगवान विष्णु से। कहा जाता है कि दैत्यों के राजा बलि, इन्होंने 110 यज्ञ पूरे कर लिए थे। उस वजह से ये देखते हुए देवता लोक में थोड़ी हलचल हो गई। देवताओं को डर सताने लगता है कि अपनी पावर को यूज करके अब बलि स्वर्ग लोक पर भी अपनी हुकूमत चलाने लगेंगे। इस डर के साथ में वो सब पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु उनके सॉल्यूशन के लिए वामन रूप धारण करते हैं और चले जाते हैं भिक्षुक बनकर बलि के पास। बलि से वो 3 कदम की जमीन मांगते हैं और बलि वो देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वामन अपना पहला कदम स्वर्ग पर रखते हैं, दूसरा कदम धरती पर रखते हैं और तीसरा कदम जैसे ही उठाते हैं तो बलि परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तीसरा कदम मतलब पूरी धरती भी एक कदम में खत्म हो गई और स्वर्ग भी चला गया। तब उसको लगता है कि अपने आप को अपना सर झुकाकर वो वामन को कहता है कि आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए। इस तरह से तीसरा कदम उनके सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया जाता है। इससे देवताओं का डर खत्म हो जाता है कि बलि कि कभी हमारे ऊपर मतलब स्वर्ग पर राज करेगा। बट वो वहां पर भी बहुत सारी तपस्या करता है और वरदान मांग लेता है भगवान विष्णु से कि आप हमेशा मेरे सामने रहोगे। भगवान जी उनको वो प्रॉमिस कर देते हैं। इस वजह से उनको बलि का द्वारपाल बनना पड़ता है। इस सब के बाद में लक्ष्मी जी परेशान हो जाती हैं कि उन्हें विष्णु जी द्वारपाल बने हुए हैं। तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि सॉल्यूशन बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब लक्ष्मी जी अपनी राखी लेकर बलि के पास जाती है, उन्हें प्यार से राखी बांधती है और बदले में विष्णु भगवान को अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, ये तो हो गई एक कहानी, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।